गाइस तो अभी लाइट आया है, सुबह 5:30 बजे ही लाइट जो गया था, तो अभी आया है लाइट। 7:30 बज रहा है अभी रात एक तो को। लाइट नहीं है, उसके बाद अमरजीत को ज्यादा बुखार हो गया है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज क्या बताएं गाइस, सुबह से ही लाइट भागा। हम सोच रहे हैं सुबह से लाइट लाइट आएगा तो हम ब्लॉग शुरू करेंगे। सुबह से ही 5 बजे जो लाइट गया है, अभी 10 बजने वाला है, लाइट अभी तक नहीं आया है। अजीब बात है। और इसको कहा जाता है स्मार्ट सिटी, भागलपुर स्मार्ट सिटी। पूरा लॉज अंधेरा है, तो हम सोचिए आप कितना देर रुके, बाहर आके अब ब्लॉग शुरू कर दिए हैं। तो देखिए कब लाइट आता है, लाइट आएगा तो ही कुछ हो पाता है यहाँ पे, नहीं तो बस ऐसे ही। लाइट जाने के बाद यहाँ तो लगता है कि अब पूरा मरनी हो गया है। देखिए क्या होता है, कब लाइट आता है। एक तो लाइट नहीं है, उसके बाद अमरजीत को ज़्यादा बुखार हो गया है, तो जा रहे हैं दवाई लाने के लिए, खिलाएंगे उसको। देखिए संकट आता है तो संकट आता ही रहता है, वही आज क्या बताएं। एक तो लाइट नहीं आ रहा है, ऊपर से मेरा व्हाट्सएप जो है 24 घंटा के लिए बंद कर दिया गया है। उसके बाद जो है अमरजीत को भी बुखार आ गया है, इसको थोड़ा दवाई तवाई ला के दिए हैं, खाया, रेस्ट कर रहा है अभी। तो जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, उसमें सुबह जो गया है, अभी 11 बज रहा है, अभी तक लाइट नहीं आया है। ऐसा ही हाल होता है स्मार्ट सिटी में। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ऐसा होना चाहिए। हम लोग का तो गांव में ऐसा नहीं होता है, जब लाइट जाता है तो। गाइस क्या बताएं, अभी 3:30 बज रहा है, वही बात, फिर अभी तक लाइट नहीं आया है, पूरा अंधेरा है। सो गए थे हम तो, जगे तो फिर देखे लाइट ही नहीं है। कोचिंग का समय हो चुका है, कि ये देखिए तैयार हो रहे हैं। अरे अंधेरा पूरा है, लाइटें न है, क्या कीजिएगा गाइज। पूरा ये स्मार्ट सिटी को जो है ना, पूरा सुंदरता बनाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं स्मार्ट सिटी को सुंदर बनाने के लिए, कि भर दिन लाइट काट के रखता है पूरा। अरे कुछ भी उड़े, स्मार्ट सिटी है, 1 घंटा में कंप्लीट होना चाहिए ना, ट्रांसफार्मा उड़े चाहे जो उड़े। आज तो पूरा ही मतलब कि दिन ऐसे नहीं बीत गया। अभी 3:30 बज रहा है, 4 बजे फिजिक्स का क्लास है, उसके बाद 4 से 5 फिजिक्स है, 5 से 6 जो है फिर इंग्लिश है। ये छोटका अभी कब पता चलता है, कब उल्टा पैंट करते हैं, कब सीधा अंधार में पता नहीं चलता है। इसके कहने का अर्थ हुआ कि अंधेरा में कुछ पता ही नहीं चलता है कि उल्टा पैंट पहन रहे हैं या सीधा पैंट पहन रहे हैं, बस अंधेरा है। लॉज में बहुत ज्यादा अंधेरा, ये तो हम गेट पे आते हैं, देखिए ये गेट पे आते हैं बाहर में, उसके बाद ही वीडियो बना पाते हैं, अंधेरा है। रूम में तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो गाइज देखिए यही होता है लाइट जब नहीं रहता है, तो हमारे लॉज का हाल, बस क्या कर सकते हैं। और गाइज क्या बताए, यहाँ पे जो है ना लाइट नहीं होने के कारण इसे सब बफला गया है, सबसे बड़का बेवड़ा यही है। अभी तुरंत इसको फ्रेश करके इसको अभी फ्रिज से निकाला, लगा था लाइट नहीं आने के कारण जो है ना, टंकी का पानी भी खत्म है। उसके बाद हमको ये याद आ रहा है कि मुहर्रम में क्या हाल हुआ था, वही हो रहा है। बस मुहर्रम में भी जो है ना, पूरा यहाँ से तो बहुत आदमी चले गए थे, हम लोग को तो नया नया आए थे, पता नहीं था कि यहाँ पर क्या होने वाला है, पूरा दिन लाइट गायब। उसके बाद जो है कहीं पर भी पानी पीने के लिए फिल्टर पानी, कहीं पर भी जाते थे तो पानी ही नहीं मिलता था, ना ही यहाँ पे टंकी पे पानी, ना ही और कहीं पानी मिलता था, हम लोग को पता रहा था। इसको पानी दे दिए, इससे हाल चाल पूछ लीजिए। हाँ, इससे अभी पूछना बाकी है।
अभी सही लग रहा है, मेरा फेवरेट दोस्त है, इसके बिना हम रह ना पाएंगे इस खेल में। वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स का घुसने का एंट्री करने का भी यही होता है गाइस एंट्री करने वक्त। गाइस तो अभी लाइट आया है, सुबह 5:30 ही लाइट जो गया था तो अभी आया है लाइट, 7:30 रहा है अभी रात को। तो लाइट नहीं था तो ये छड़का भी आ गया, यहीं बैठ के बांसुरी तांसुरी बजा रहा है। ये कुछ लिखा है जिसको पढ़ रहा है लेके, देखिए गाइस क्या है, रेड इज माई लाइफ। कुछ बोलो, क्या बोले, प्यार के चक्कर में पड़िएगा तो मरिएगा। हाँ कौन पढ़ा है, मतलब तुम प्यार के चक्कर में पढ़ा इसलिए तुम यहाँ पे बांसुरी बजा रहा है किसी के याद में ना। हमने पढ़े जिसको इसको लबेड़िया बीमारी था, जैसे कि इसको बुखार लग गया वही बीमारी है पक्का, दिखाइए उधर कैमरा उधर कीजिए। नहीं इसको तो थोड़ा तुम्हारे ही कारण, रात में तुम ही छींका था इसके आगे में तभी हुआ है, तुम्हारे कारण ही हुआ है, मतलब कि तुमको लबड़िया बुखार था इसलिए ही तुम बोल रहा है, लग रहा है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। क्या बात है, ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा लग तो रहा है। तब क्या नाम है गर्लफ्रेंड का बताओ बताओ बताओ। वाओ क्या इंग्लिश बोल रहा है, थोड़ा हिंदी में समझाइए। गर्लफ्रेंड क्या होता है, गर्लफ्रेंड वो जो है ना, हम तो नहीं बता पाएंगे गर्ल क्या होती है, तुमको होगा तो तुम्ही को ना पता होगा गर्लफ्रेंड क्या होती है। नहीं हुआ है, नहीं तुम्ही तो बोला है कि लवड़िया बुखार लगा है, तो हम सोचे लगा होगा तुमको लवड़िया बुखार इसलिए पूछे। तो और सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है ठीक, चल रहा है ठीक। 10th में कितना नंबर आ जाएगा, अब राम जाने। राम जाने की तुम नहीं जान सकता है, नहीं जान सकते है। तो तबीयत अब ठीक हो गया है, अब देखिए फिर आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, अभी फिलहाल ठीक है तबीयत। सुबह से तो पढ़े नहीं है, सुबह से पढ़े नहीं है, अब जा रहे हैं, जाएंगे थोड़ा रिवाइजिंग भी करना पड़ेगा। ठीक थोड़ा सवेरे ही सो गए थे तो वीडियो एडिट नहीं कर पाए, सुबह सवेरे 2 जगे हैं, अभी अब एडिट करेंगे उसके बाद फिर सुबह अपलोड किया जाएगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो थोड़ा ख़राब ही बन रहा है अभी, लेकिन थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोग कहीं सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक थैंक यू गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।